हेलो स्टूडेंट्स, टुडे लेट्स स्टडी द चैप्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी पड़ जाता है, अपार्ट फ्रॉम आर करिकुलम, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ दैट वी आर डूइंग फॉर आर बोर्ड एग्ज़ाम्स। उसके अलावा हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम जो गलतियाँ हमने पहले दोहराए है, जो गलतियाँ हमने पहले की है, वो हमने दोबारा नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज़ हिस्ट्री, है ना? तो ज़रूरी नहीं कि जो हर कुछ जो पास्ट में हुआ है वो हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री में जो भी कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, जो खास इवेंट्स होते हैं और जिसका रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड केवल एक ही जगह नहीं जहाँ पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, कहीं और से कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि ताकि जो गलतियाँ हम ने पहले की है वो हमने दोबारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास क्या होता है, दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1918 में स्पैनिश फ्लू हुआ था। ये उसी समय की बात है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और उसी समय एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी फैली थी जिसे हम स्पैनिश फ्लू कहते हैं। और वैसी ही एग्जैक्टली सेम बीमारी, वैसी ही ऑलमोस्ट सिमिलर बीमारी आज हम जो देख रहे हैं, ये COVID-19, एग्जैक्टली 100 साल बाद। यानी देखो किस प्रकार से इतिहास ने अपने आप को दोहराया, किस प्रकार से ये बीमारी का अंत हुआ, ये बीमारी कैसे आई है, किस प्रकार से अंत हुआ। ये बीमारी अचानक से आई है और अचानक से गई है। इसका कोई इलाज नहीं निकला था उस ज़माने में, बीमारी को जाने में समय लगा। 1918 से 1920 तक का ये बीमारी चली और सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ डिस्टेंसिंग, ये जो तरीका जो था ये पुराना तरीका ही है, वही हम आज अपना रहे हैं। फिर हमारा ह्यूमन बॉडी जब तक इम्यून नहीं हो जाता है इस वायरस से, तब तक का हमें इसका सामना करना पड़ता है। तो इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं, हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो गलती हमने पहले दोहराई है वह नहीं दोहराना चाहिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब फाइट हुआ था, ये लड़ाई कब हुई थी, इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जाता है। ये लड़ाई 1914 से 1918 के दौरान लड़ी गई है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, किसी को लगा नहीं था कि ये जो जंग जो है इतना लंबा चलेगा। लोगों को लगा कि जंग जो है केवल कुछ महीने, चंद महीनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये महीने नहीं, इस सालों साल लग गए, 4 साल लग गए इस जंग को ख़त्म होने में। उनका मानना था कि ये एक ऐसा वॉर है जो सारे वॉर को ख़त्म कर देगा वंस एंड फॉर ऑल। यानी बोलते हैं ना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये एक तरफ हो गए थे। फ्रांस बेचारा अकेला पड़ गया था। तो फ्रांस जब अकेला पड़ गया, तो फ्रांस रशिया उस वक़्त जर्मनी के साथ में था। तो जब रशिया जब फ्रांस की तरफ आया तो फ्रांस की हिम्मत बढ़ी। फिर सारा जो वह क्राइसिस हुआ, ऐसे अलग अलग कारण हुए जिसकी वजह से ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। और इसमें ना केवल यूरोपियन कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व थी। एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ इसमें किस प्रकार से इन्वॉल्व हुई और क्यों हुई? एशिया और अफ्रीका ये एक कॉलोनीज़ बन गई थी, ये इम्पीरियल रिजीम्स के कॉलोनीज़ बन गए थे। इम्पीरियल रिजीम्स क्या होता है? इम्पीरियल रिजीम मतलब राजा कहीं और बैठा है, किसी और दूर देश में बैठा है और वह किसी और दूर देश में राज करता है। जैसा ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर राज किया, तो ब्रिटिशर्स इम्पीरियलिस्ट थे और हम उनके कॉलोनीज थे। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स के हम कॉलोनीज थे, जब ब्रिटिश वॉर में उतरा तो हमें भी उसने वॉर में जबर से उतरवा लिया ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने पार्ट लिया है, हालांकि हमें को इससे कुछ लेना देना था नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते थे और अंग्रेज इस जंग में बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रहे थे। तो उन्होंने इंडिया को भी इस वॉर में इन्वॉल्व कर दिया। तो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हुए। जब ये वॉर एंड हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1914 से 1918 में, तो एक ट्रीटी साइन की गई थी, एक पीस ट्रीटी। जब जर्मनी हार गया तो जर्मनी से एक पीस ट्रीटी साइन करवाई गई थी। इस ट्रीटी को द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहा जाता है। ये
द ट्रीटी वॉज साइन बाय द अलाइज विद जर्मनी. अंडर द ट्रीटी जर्मन वॉज हेल्ड गिल्टी. इस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी को जर्मनी के ऊपर सारा दोष थोपा गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सारा जो दोष है वो जर्मनी के ऊपर थोपा गया. मैं इस चैप्टर का पहले आपको समरी समझा देता हूँ, फिर बाद में इस चैप्टर के अपन डिटेल में जाएंगे. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहलाया जाता है? क्या इससे पहले कोई वॉर्स नहीं हुए थे? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली होल वर्ल्ड इन्वॉल्व थी. पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हुआ था. इट वॉज फॉट ऑन लैंड, इट वॉज फॉट ऑन वाटर, इट वॉज फॉट ऑन एयर. तो स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी सभी इस वॉर में इन्वॉल्व थे. इट इन्वॉल्व नॉट ओनली द आर्मीज बट ऑल्सो द मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द वॉरिंग नेशंस. ना केवल इसमें आर्मीज इन्वॉल्व थी, ना केवल एयरफोर्स, ना केवल नेवी, इनके अलावा जो सिविलियंस थे इस वॉर में इन्वॉल्व थे. सिविलियंस किस प्रकार से इस वॉर में इन्वॉल्व थे? इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो इंडस्ट्रीज वाले थे. इंडस्ट्रियलिस्ट अपना प्रोडक्शन बंद करके वॉर प्रोडक्शन बनाना चालू कर दिए. वॉर में जो लगते थे वह प्रोडक्शन बनाना चालू कर दिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज सप्लाई कर रही थी वॉर मटेरियल. तो दुश्मन देश अपने दुश्मन देश के ऊपर क्या करता था? हमला करता था. ना केवल वो आर्मी के ऊपर हमला करता था, वो सिविल एरियाज पे हमला करता था, वो इंडस्ट्रीज़ पे हमला करता था, इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए. तो इस वॉर में सोल्जर्स से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे. बहुत बड़े पैमाने पे सिविलियंस मारे गए थे. इस कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है. इस वॉर का कारण क्या था? हर चीज़ का एक कारण होता है. जैसा आज गलवान वैली में चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है. तो नथुला पास के पास में इससे पहले स्टैंड ऑफ चल रहा था. जब आप और मैं क्लास में पढ़ते थे तब मैंने आपको नथुला पास के बारे में, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन मैं आज फिर से ये चैप्टर आपको समझा रहा हूँ. तो कारण क्या है? यहाँ पर जो वैली जो है, चाइना क्लेम करती है कि ये इलाका चाइना का है. वो इसे अक्साई चिन कहता है और इंडिया इसे अरुणाचल प्रदेश, इसे लद्दाख, इस इलाका कहता है, लद्दाख के इलाके कहता है. तो यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो टोपोग्राफी है बहुत ही रगेड टोपोग्राफी है. यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है. एक्चुअली नदी के उस साइड का हिस्सा जो है वो चाइना को बिलोंग करता है, और नदी के इस साइड का हिस्सा जो इंडिया को बिलोंग करता है. जो नदी है वो नेचुरल बाउंड्री ये माना गया था, लेकिन चाइना ने नदी के इस साइड भी अपना कैंप्स लगाया है. तो इसका हमने ऑब्जेक्शन उठाया, जिसकी वजह से अपने 20 सोल्जर्स मारे गए थे. तो ऐसे कई कारण होते हैं जो वॉर होता है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कारण क्या था? वो बहुत ही क्रिटिकल वर्ल्ड सिचुएशन में था. 1914 में वर्ल्ड सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल था, क्योंकि वर्ल्ड एक दो महान पावर ब्लॉक्स में बांटे गए थे. दो महान पावर ब्लॉक्स, द ट्रिपल एंटिटी एंड द ट्रिपल अलायंस. ट्रिपल एंटिटी और ट्रिपल अलायंस. तो जो ट्रिपल एंटिटी थे उसमें जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी, ये ट्रिपल एंटिटी थी. और जो ट्रिपल अलायंस था उसमें था रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड. तो इस प्रकार के ये ग्रुप्स बन गए थे, और ये बहुत ही पावरफुल ग्रुप्स बन गए थे. ये सभी के सभी देश, रशिया को छोड़कर बाकी, जैसा जर्मनी जो था वो इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन था. सबसे पहले इंग्लैंड इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन बना, उसके बाद फ्रांस इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन बना. तो उन्होंने क्या किया, पहले वर्ल्ड के ऊपर कैप्चर कर लिया, वर्ल्ड में अपने कॉलोनी सेटअप कर दिए. क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रीज़ थी, तो इनका जो इंडस्ट्रियल से जो सामान जो निकलता था मास प्रोडक्शन में, वह मार्केट की तलाश में था. और इन्होंने मार्केट कैसा कैप्चर किया? कंट्रीज़ को कैप्चर करके. तो जिसके पास सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ थी उसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट था, वो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा था. जर्मनी इंग्लैंड से कम्पीट करने के चक्कर में था, उसने बहुत तरक्की भी कर ली थी. बड़े पैमाने पे उसने बड़े बड़े जहाज बना लिए थे, शिप्स बना लिए थे. उसने अपने को वर्ल्ड लीडर डिक्लेयर भी कर दिया था. चाइना को हरा कर, चाइना की कुछ टेरिटरी को वो जीत कर, उसने अपने आप को वर्ल्ड लीडर तक का घोषित कर दिया था. तो यहाँ पर टेंशन चल रहा था इनके बीच में, और एक दूसरे के ऊपर इनके बीच में बहुत डाउट चल रहा था, जिसकी वजह से एक ऐसी हालात बन गई जहाँ पर वॉर की सिचुएशन आ पड़ी. दूसरा कारण था इंटेंस राइवलरी बिटवीन नेशंस
एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म। इंटेंट राइवलरी बिटवीन नेशंस एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब क्या कि इनकी दुश्मनी तो थी कि एज ए कंट्री, लेकिन ये मिलिट्री वाइज भी अपने आप को डेवलप करते जा रहे थे। जब रशिया एक इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री था, उससे पहले रशिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, उसकी दोस्ती जर्मनी के साथ में थी। जर्मनी रशिया को पैसे पुराता था, रशिया के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, तो रशिया जो है वो जर्मनी का साथ देता था। जब तक रशिया जर्मनी का साथ दे रहा था तब तक की शांति थी, क्योंकि फ्रांस के पास उतनी ताकत नहीं थी। फ्रांस शांत बैठा था। फ्रांस से जर्मनी ने एल्सेस लोरेन रीजन जीत लिया था एक वॉर में, उनका जब वॉर हुआ था फ्रैंको प्रुशियन वॉर में प्रुशिया ने फ्रांस को हराकर उनसे उनका एल्सेस लोरेन रीजन छीन लिया था। जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक इंटीग्रल रीजन है और हम उसके बारे में बहुत पॉजिटिव है, वैसे ही फ्रांस एल्सेस लोरेन रीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करता था। तो जब जर्मनी ने से ये छीन लिया तो फ्रांस की ये था कि कभी ना कभी मुझे अपना टेरिटरी वापस चाहिए। जर्मनी ये भली बातें जानता था। जर्मनी चाहता था कि फ्रांस को दूर रखा जाए। ये जर्मनी का एक चांसलर था, उसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क एक बहुत ही दूरंदेशी पॉलिटिशियन थे। उसको मालूम था जब तक हम फ्रांस को अलग थलग रखेंगे तो फ्रांस हमें आंख नहीं दिखा सकता। तो उसने सीक्रेट अलायंस कर ली, सीक्रेट दोस्ती कर ली थी उसने रशिया के साथ में, और प्रुशिया, रशिया ऑस्ट्रिया हंगरी और प्रुशिया, प्रुशिया ने जर्मनी, रशिया ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, इनकी ट्रिपल अलायंस थी। ये ट्रिपल एंटिटी थे, इसे हम एक्सेस पावर कहते हैं, सेंट्रल पावर्स, या ये सेंट्रल केंद्र था जिसकी वजह से ट्रिपल अलायंस बना, इसलिए इसको सेंट्रल पावर्स या एक्सेस पावर कहते हैं। इनके इर्द गिर्द बाकी सब रिवॉल्व करते हैं। तो जब बिस्मार्क पावर से चले गए, उसके जगह पे केसर विलियम टू आए पावर में। केसर विलियम टू की गलती हो गई। केसर विलियम टू ने रशिया को पैसा देना बंद कर दिया, रशिया में पैसा लगाना बंद कर दिया। रशिया भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनना चाहता था बाकी यूरोपीय देश की तरह, लेकिन अभी वो एग्रीकल्चरल नेशन था, बहुत बड़ी आर्मी थी। जब केसर विलियम टू ने रशिया से दोस्ती तोड़ ली तो रशिया जाकर फ्रांस से मिल गया। जब रशिया फ्रांस से मिल गया तो फ्रांस के पास में अब हिम्मत आ गई और वो जर्मनी को धमकाने चालू कर दिया। फिलहाल ये रीज़न नहीं था वॉर का, हम उसके बारे में और आगे में हम जानेंगे, लेकिन किस प्रकार से फ्रांस ने हिम्मत करके जर्मनी को आंख दिखाना चालू कर दिया, क्योंकि रशिया ने अभी दल बदल दिया। रशिया ने फ्रांस का, जर्मनी का साथ छोड़कर फ्रांस से दोस्ती कर ली, और वाजिब है क्योंकि जर्मनी ने उसको फाइनेंशियली हेल्प करना बंद कर दिया, पैसे लगाना बंद कर दिया। फिर तीसरा कारण था मिलिटरिज्म एंड आर्मामेंट रेस। जब जर्मनी बड़े बड़े जहाज़ बनाने लगा, सबसे पहले तो इंग्लैंड के पास जहाज़ थे उस वक्त, जिसके पास सबसे ज़्यादा जहाज़, सबसे बड़े जहाज़, सबसे आधुनिक जहाज़ थे, वह विश्व पर राज करता था। तो ये बात देकर जर्मनी ने भी अपने आप को मॉडिफाई किया, और उसके जो कील एक ये था नदी, उस नदी को उसने और चौड़ा कर दिया। कैनाल, कील कनाल था एक्चुअली, मैन मेड कनाल था। तो कील कनाल को उसने इतना बड़ा जहाज़ बनाया कि कील कनाल को उसको डबल से खोदना पड़ा, गहरा करना पड़ा, चौड़ा करना पड़ा, तब जाके ये जहाज़ जो है उसके फैक्ट्री से लेकर वो समुद्र में उतर सके, यानी इतना बड़ा जहाज़ बनाया था। इसकी भनक इंग्लैंड को लग गई थी। इंग्लैंड ने ये टैंकर्स बनाना चालू कर दिए। तो इस प्रकार से इंग्लैंड भी अपनी तैयारी कर रहा था, जर्मनी भी अपनी तैयारी कर रही थी। तो आर्मामेंट रेस, जिस लोग अपने पास आधुनिक हथियार इकट्ठा करने लगे। अब हथियार जब रहता तो कोई शौकिया तौर पे थोड़ी रहता है, ये डिफेंस के लिए होता है या अटैक के लिए होता है, तो दोनों अपने आप को डिफेंड और अटैक के लिए तैयार कर रहे थे। फिर टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये टेरिटरीज को हड़पना चाहते थे। यहाँ पर
जो ओटोमैन एम्पायर था, ओटोमैन एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। ओटोमैन एम्पायर मतलब टर्की का जो एम्पायर था, एक ज़माने में टर्की जो था विश्व राजा था, यानी ब्रिटिशर्स राजा बनने से पहले टर्की पूरे वर्ल्ड का राजा था। जो मुगल एम्पायर जो इंडिया में हम जो देखते हैं मुगल डायनेस्टी, वही इस टर्की एम्पायर का ही एक हिस्सा था। इनसे पहले टर्की से पहले रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर के बाद में टर्किश एम्पायर आया, इसको हम ओटोमैन एम्पायर कहते हैं। ओटोमैन एम्पायर के बाद में ब्रिटिश एम्पायर आया। तो जब ये टर्की का जो मेन जो राजा था, उसकी उसके देहांत के बाद में, उसके डेथ के बाद में उसके जो सरदार थे वो आपस में लड़ने लगे, तो इनका जो रीजन जो था वो बहुत वीक हो गया। तो ये इस रीजन पे ओटोमैन एम्पायर के ऊपर सभी की नज़र थी। मेनली ओटोमैन एम्पायर में स्लोवैक, स्लोवैक जैसा एक ये कम्युनिटी होती है, एक रेस होता है, स्लोवैक एक रेस होता है। उस रेस के जो लोग थे वो एकत्रित होकर एक बहुत बड़ा महान देश बनाना चाहते, सर्बिया। सर्बिया की नज़र इस स्लोवैक कंट्रीज़ के ऊपर थी, स्लोवैक टेरिटरी के ऊपर थी, और ऑस्ट्रिया की नज़र भी इसी रीजन के ऊपर थी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया जर्मनी ने, और सर्बिया को सपोर्ट किया फ्रांस ने। किस प्रकार से, देखो दुश्मन दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है किस प्रकार से, कि ताकि उनका दबदबा बना रहे। तो ये टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी वॉर हुआ था। फिर एक और एक मेजर कारण था कि यहाँ पर ऐसा, जैसा आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कोई भी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था यहाँ पर। कोई इफेक्टिव इंटरनेशनल वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो दखल अंदाजी कर सके, इनके बीच में आ सके और इन्हें रोक सके। तो ये एक और एक कारण हुआ जिसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। फिर द इमेडिएट कॉज, जो मेन जो कॉज था वो सैराजेवो क्राइसिस था। सैराजेवो इंसिडेंट एंड द मर्डर ऑफ ऑस्ट्रियन क्राउन प्रिंस एंड हिज वाइफ। तो सैराजेवो क्राइसिस क्या था, यहाँ पर जो ऑस्ट्रियन का जो राजा था वह एज अ चीफ गेस्ट उसको सर्बिया में चीफ गेस्ट करके बुलाए थे। ये ऑस्ट्रिया का राजा था, ऑस्ट्रिया का क्राउन प्रिंस था, यानी राजा के जाने के बाद में, राजा राजगद्दी छोड़ने के बाद में, ये ऑस्ट्रियन का जो राजकुमार था इसका नाम था फ्रांसिस फर्डिनैंड। फ्रांसिस फर्डिनैंड वॉज द आर्च ड्यूक इन आर्च प्रिंस, ये एयर अपियरेंट था राजा के बाद में, इसी इसी को राजा बनाने वाले थे। तो इसे एज अ चीफ गेस्ट बुलाए थे, कहाँ पर, सर्बिया में। सर्बिया का जो नेशनल डे था सेंट विटियस डे, सेंट विटियस, जैसे अपने पास में 26 जनवरी एक नेशनल डे होता है, 15 अगस्त एक नेशनल डे होता है, वैसे सर्बिया में सेंट विटियस डे एक नेशनल डे था। तो पड़ोसी राज्य से उनके राज्य राजकुमार को यहाँ पर चीफ गेस्ट करके बुलाया गया। इनकी हत्या यहाँ पर, इनके वाइफ के साथ में इनकी हत्या यहाँ पर हो गई। गेवरल प्रिंसेप प्रिंसेप गेवरल गेवरलो नाम का एक 19 साल का लड़का था, इसने आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड की हत्या कर दी। क्योंकि उसकी हत्या सर्बिया में हुई, सर्बियन टेरिटरी में हुई, तो ऑस्ट्रिया ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि इसके ऊपर सर्बिया सर्बिया का ही हाथ है, और ये ब्रेक पॉइंट हो गया वॉर का। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर बहुत सारे मेमोरेंडम भेज दिए, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भेज दिए कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा। सर्बिया बेचारा चुपचाप से मान भी रहा था, लेकिन ऑस्ट्रिया के पीछे चाबी चाबी भरने वाला था जर्मनी। जर्मनी ने चाबी भर दी और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में वॉर हो गया। सर्बिया ने फ्रांस से मदद मांगी, सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी, रशिया और फ्रांस इस वॉर में खुद पड़े। क्योंकि रशिया और फ्रांस इस वॉर में खुद पड़े, ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से मदद मांगी, जर्मनी भी इस वॉर में आ गया। फिर जर्मनी ने जब रशिया के ऊपर हमला करते गया तो बेल्जियम के थ्रू गया। बेल्जियम जर्मनी और रशिया के बीच का एक कंट्री था, वो न्यूट्रल था, वो वॉर में पार्ट नहीं ले रहा था। पहले जर्मनी ने बेल्जियम से परमिशन मांगी कि हमको यहाँ से जाने का अनुमति दीजिए, बेल्जियम ने मना कर दिया, तो जर्मनी ने बेल्जियम के ऊपर अटैक कर दिया। बेल्जियम ने इंग्लैंड से मदद मांगी, इंग्लैंड भी वॉर में आ गया। इस प्रकार से इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और सर्बिया ये एक टीम बन गए, और दूसरी टीम में था ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी
जर्मनी और इटली, इटली को भी इन्होंने अपने साइड में ले लिया। तो इस प्रकार से टीम बन गई, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और टर्किश एम्पायर इतना स्ट्रांग नहीं था, ऑस्ट्रिया हंगरी भी इतना स्ट्रांग नहीं था। जो मेन जो ताकतवर जो देश था वो था जर्मनी। जर्मनी अकेले इन चारों देशों के ऊपर भारी पड़ रहा था, चारों देशों के ऊपर इतना भारी पड़ रहा था कि अल्टीमेटली 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, उसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में रशिया के जो 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 राजा था उसको हटा दिया गया, उसके जगह लेनिन की गवर्नमेंट आ गई, लेनिन की सरकार आई। तो उसने जर्मनी के साथ में पीस ट्रीटी कर लिया। जर्मनी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं करूँगा, लेकिन आपको मुझे इसके बदले में जुर्माना देना पड़ेगा। तो बहुत भारी जुर्माना भरने के बाद रशिया इसमें से बाहर चला गया। तो एंट्री हुई यूएसए की। जब यूएसए ने एंट्री की तब क्या हुआ, तब बाजी पलटना चालू हो गई। यूएसए इस बहाने से एंट्री किया कि उनके जो जहाज़ थे उसको जर्मनी जो है इसने गिरा दिया, डुबा दिया। तो इस बहाने से यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री ली। तो वॉर की शुरुआत जो थी वो मेन शुरुआत जो हुई सराजेवो इंसिडेंट से हुई। और फिर वॉर जब हुआ, ऑस्ट्रिया ने अल्टीमेटम दिया सर्बिया को, सर्बिया ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर किया वॉर सर्बिया के ऊपर। और ऐसा करके एक एक करके दूसरे दूसरे कंट्रीज में आने लगे। फिर विड्रॉवल ऑफ रशिया ने विड्रॉ क्यों किया, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन 1917। तो 1917 में दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए। आपको ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द ईयर 1917। वन वाज विड्रॉवल ऑफ रशिया फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू बोल्शेविक रेवोल्यूशन, एंड सेकेंड वॉज द एंट्री ऑफ यूएसए इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए 1917 में। फिर वॉर किस प्रकार से ख़त्म हुआ, एंड ऑफ वॉर हुआ जब 11 नवंबर 1918 को जब जर्मनी एक ट्रीटी साइन करी, जर्मनी ने आर्मिस्टाइस ट्रीटी साइन करके, जब जर्मनी को लगा कि वो हारने वाले हैं, वहाँ का जो ड्यूक था सार निकोलस द सेकेंड ने जर्मनी को छोड़कर भाग गया, डेनमार्क चला गया, डेनमार्क में जाके शरण ले ली। अब यहाँ पर ना राजा था तो उनको उनका नेतृत्व कौन करेगा, इस वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जर्मनी ने सरेंडर कर लिया। जब जर्मनी ने सरेंडर किया तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई, एक वेहमर रिपब्लिक क्यों पड़ा, वेहमर एक जगह है जहाँ पर जो जर्मनी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन लड़ाया गया जल्द से जल्द, और एक इलेक्शन में वेहमर रिपब्लिक को जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट सेटअप किए, और उनसे वॉर ट्रीटी साइन करवा दी गई। जब वॉर ट्रीटी साइन करवा दी गई तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ, ऐसा लगा कि अब वॉर नहीं होगा, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बन गया। तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर विस्तार में पढ़ेंगे, मैंने पहले भी आपको द राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज़्म मैंने आपको पहले इस चैप्टर से पहले आपको समझा दिया, लेकिन वो मैं डबल से समझाऊंगा आपको, मुझे खुद को तसल्ली नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ कि वो चैप्टर मैं फिर से आपके लिए रिपीट करूँगा। लेकिन वॉर का परिणाम क्या हुआ, वॉर का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, वॉर का परिणाम ये हुआ, देवर ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स, बहुत बड़े पैमाने पे लोग मारे गए थे। इससे पहले इतने लोग कभी कोई जंग में मारे नहीं गए थे जितने इसमें मारे गए थे। हैवी कॉस्ट ऑफ वॉर इन टर्म्स ऑफ मनी, बहुत खर्चा हुआ। तो लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति थी, एक ज़माने में जब इंग्लैंड टॉप मोस्ट कंट्री माना जाता था, इंग्लैंड को खुद अमेरिका से उधार लेना पड़ा। यानी आप समझ सकते कि इंग्लैंड जो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा था, उसके पास पूरे वर्ल्ड का दौलत था, वर्ल्ड का पैसा था, उसके अपने खुद के पैसे ख़त्म हो गए और उसे
अमेरिका से उधार लेने पड़ रहे थे। तो कितना हैवी लॉस हुआ होगा, कितना नुकसान हुआ उन लोगों का। फिर उसके बाद में हुआ चेंजेस इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो पॉलिटिकल मैप था इस वर्ल्ड का, पूरा जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स थे मैप के, नए नए देश बन गए थे। तो चेंजेस इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी डेमोक्रेटिक स्टेट्स बनाए गए थे, नए नए देश बनाए गए थे। जर्मनी से कुछ हिस्से ले लेकर पोलैंड जैसे नए देश बनाए गए थे। फिर विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी एंड ग्रांट ऑफ ग्रेट राइट्स टू पीपल। तो वर्ल्ड वॉर का पॉजिटिव साइड क्या निकला कि डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी आने मतलब लोगों को बोलने का अधिकार मिला, लोग अपने खुद सेल्फ डिटर्मिनेशन के हिसाब से, अपने हिसाब से सरकार इलेक्ट कर सकते थे, कौन सा सरकार चाहिए उनको। क्योंकि राजा जो होता था कभी कभी क्रूर होता था, और क्रूर राजा क्या करता था, अपनी मनमानी कर लेता। जैसे हमने फ्रांस में देखे थे, फ्रांस का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, किंग लुइस द सिक्सटीन्थ को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वह बहुत ही क्रूर राजा था। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी फ्रांस में भी आई, और भी जगह डेमोक्रेसी आ गई, जहाँ पर प्रुशिया, जहाँ पर सर्बिया, ऐसे ऐसे देश में जहाँ पे राजा हुआ करते थे, उनसे सत्ता छीन कर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बना दी गई। फिर द राइज ऑफ नाजी एंड द फेसिस डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड इटली, जो आने वाला जो चैप्टर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, हम इसे फिर से पढ़ेंगे, द राइज ऑफ नाजीज़म एंड द फेसिस डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो जर्मनी और इटली, ये दोनों बहुत नाराज़ चल रहे थे, ये इतने नाराज़ थे कि वह बदला लेना चाहते थे, क्योंकि सारा का सारा जो दोष था जर्मनी के ऊपर थोपा गया था। इटली ने तो साइड बदल दी थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ, शुरुआत में इटली इसके साइड में था, जर्मनी के साइड में था, लेकिन इंग्लैंड ने इटली को कन्विंस किया, इंग्लैंड ने इटली को कन्विंस किया, उसे कुछ प्रॉमिस किया और अपने तरफ में ले लिया। तो जब इटली, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और जब हिस्सा बाटी की गई, जर्मनी के जो शिप्स को बांट लिए गए, जो वॉर शिप्स को बांट लिए गए, और उनके कोल माइंस को बांट लिए गए, और उनके जो कॉलोनीज था उसको बांट लिया गया, तो इटली को बहुत ही छोटा सा हिस्सा मिला। इटली को केवल कुछ आइलैंड्स मिल गए, एड्रियाटिक सी में चंद छोटे मोटे आइलैंड देकर उसका मुंह बंद कर दिए। जिस प्रकार से कुत्ते के सामने हड्डी फेंक दिए, वैसा इटली के सामने में दो छोटे मोटे आइलैंड्स फेंक दिए। इटली इस बात को लेकर बहुत नाराज़ था कि उससे बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। तो इटली चाहता था कि जिस प्रकार से, इटली मतलब रोमन एम्पायर, जैसे मैंने बताया ना कि रोमन एम्पायर पहले सबसे वर्ल्ड में, सबसे पहले जो पूरे वर्ल्ड पर राज किया, तो रोमन एम्पायर ने राज किया, तो इटली वापस से अपना राज लाना चाहता था। हाँ, तो इटली में मुसलोनी का इरादा था कि वह वापस से इटली को सबसे पावरफुल देश बना दे। तो वह इन सबसे नाराज चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने फिर से जर्मनी का साइड दे दिया। तो जर्मनी नाराज किस लिए था? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से। इटली नाराज किस लिए था? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में उसको कुछ नहीं मिला, जो वॉर के बाद में जो उसको मिलना था वो नहीं मिला, इसलिए वह नाराज चल रहा था। तो इस प्रकार से इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इटली, जर्मनी और जापान, ये एक टीम बन गए। फिर से वहाँ पे गुटबाजी हो गई, वह भी हम विस्तार में पढ़ेंगे, वो भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने साइड चेंज कर लिया, जापान ने साइड बदल दिया, और उसने जाकर जर्मनी का साथ दे दिया। यानी यहाँ पर भी हिटलर की चाल थी, हिटलर ने इटली को कन्विंस किया, मुसोलिनी को कन्विंस किया, और जापान को कन्विंस किया। तो उसने बर्लिन और टोक्यो एक्सिस, यानी जर्मनी से उसने इटली को कनेक्ट किया, इटली से लेकर उसने टोक्यो को कनेक्ट कर दिया थ्रू रेलवेज एंड थ्रू रोडवेज, कि ताकि कम्युनिकेशन, जो उनका जो कॉमर्स जो होता है, बिजनेस जो है होता है, ट्रेड जो है, वो चलते रहे। कि वो जानता था कि उसको बदला तो लेना है। इस दौरान क्या हुआ कि एक लीग ऑफ नेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था कि दोबारा से ऐसे बड़े बड़े वॉर ना हो जाए,
इस वॉर को कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फोरम बना। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोरम को कहते थे लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस से पहले जापान ने अपने आप को निकाल दिया, विड्रॉ किया, कि जापान और चाइना में छुटपुट झगड़े हो रहे थे, चाइना की कोई टेरिटरी जापान ने हड़प ली थी, उसको लेकर जापान के ऊपर कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए, तो जापान नाराज होकर जापान ने लीग ऑफ नेशंस छोड़ दिया, फॉलो किया जर्मनी ने, फॉलो किया इटली ने, तो लीग ऑफ नेशंस से बाहर आ गए, इन्होंने अपना ही एक टीम बना लिया और आपस में ट्रेड करने लगे। जो ट्रेड सैंक्शंस था वो उनके ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं था, तो इस प्रकार से ये ट्रेड सैंक्शन हुआ। तो इस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में बहुत नुकसान होने की वजह से इंडस्ट्रीज़ पे बहुत बुरा असर पड़ गया और हर तरफ बीमारी और गरीबी फैली हुई थी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था आपको बताया था कि कौन सा बीमारी चल रही थी, स्पैनिश फ्लू जैसा वुहान से अपने को ये बीमारी आई है ना कोविड-19, वैसे स्पेन ये माना जाता है कि स्पेन से स्पैनिश फ्लू आया था। पूरे वर्ल्ड में ये स्पैनिश फ्लू थ्रू द सेलर्स पहुँच गया फैल गया। इंडिया में भी 50 मिलियन लोग ऐसे मारे गए थे, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो बीमारी चल रही थी, भूखमरी चल रही थी, सूखा चल रहा था, नौकरी पानी नहीं थे, तो बहुत बुरा हाल चल रहा था। तो लोग नए नए सरकार की तलाश में थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, सोशलिज्म की कोशिश लाने की कोशिश कर रही थी, जो बोल्शेविक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था रशिया में वह लाने की कोशिश कर रहे थे। तो जिसके वजह से जर्मनी में नाजिज़म आ गया, डेमोक्रेसी फेल हो गई थी जर्मनी में। डेमोक्रेसी को मौका मिला ज़रूर था लेकिन डेमोक्रेसी इतना प्रभाव नहीं कर पाया। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो चैप्टर सुना होगा मेरा। फिर द बर्थ ऑफ लीग ऑफ नेशंस हुआ। लीग ऑफ नेशंस का मेन मकसद था टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, लेकिन वो पीस मेंटेन नहीं कर पाए। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी एक आउटकम था इस वॉर का, वॉर के कॉन्सिक्वेंस थे। उसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइल था, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज साइंड ऑन 20th June 1919 बिटवीन जर्मनी एंड द अलाइड पावर्स। इट्स मेन क्लॉज वर एज अंडर, उसका जो मेन क्लॉज थे कि सबसे पहले जर्मनी वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ वॉर एंड हैड टू पे $33 बिलियन एज वॉर इंडेमनिटी। पूरा का पूरा दोष जो है वो जर्मनी के ऊपर लगा दिया, जर्मनी को $33 बिलियन वो वॉर इंडेमनिटी में देने थे, और यानी 42 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में, मतलब 42 ईयर्स के लिए जर्मनी को एक प्रकार से बांधने की कोशिश की गई थी, जर्मनी को एक प्रकार से गुलाम बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जर्मनी हैड टू इवैक्यूएट द प्लेसेस शी हैड कैप्चर्ड ड्यूरिंग द वॉर। सेकेंड क्लॉज था, मैं इम्पॉर्टेंट क्लॉज, यानी बहुत सारे क्लॉज थे, 15-16 क्लॉज थे, मैं उसमें से आपको गिनने चुने चार क्लॉजेज ही बता रहा हूँ जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थे। तो जर्मनी वॉज टू इवैक्यूएट द प्लेसेस शी हैड कैप्चर्ड ड्यूरिंग द वॉर। जो भी उसने वॉर के समय में जो इलाका कैप्चर किया उसको खाली करना पड़ा, डीमिलिटराइज करनी पड़ी। फिर जो राइन वैली था ये जर्मन टेरिटरी थी। राइन वैली मिनरल्स के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वैली था। सार कोल माइंस थे, उनको सार कोल माइंस था, वो फ्रांस को देना पड़ा क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस के कोल माइंस को डिस्ट्रॉय किया था वॉर में, तो सार कोल माइंस उनको देने पड़े। फिर द टेरिटरी वेस्ट ऑफ राइन वॉज टू बी अंडर द अलाइड ऑक्यूपेशन फॉर 15 ईयर्स। तो राइन वैली के जो वेस्ट का जो हिस्सा था ये जर्मनी का हिस्सा था, लेकिन इसे वो अलाइड पावर्स को अलाइड ऑक्यूपेशन में 15 साल के लिए, ये अलाइड ऑक्यूपेशन मतलब यहाँ पे जितना भी रिसोर्सेज होगा, जितना भी मिनरल रिसोर्सेज होगा उसको एक्सप्लॉयट करने का पूरा मौका अलाइड पावर्स ने, USA, फ्रांस और इंग्लैंड ने कुछ मौका नहीं छोड़ा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो इलाका उनको ऑक्यूपाई करना चाहा। तो इस प्रकार से जो ये कारण बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम आने वाले चैप्टर में हम जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने आपको कुछ सराजेवो इंसिडेंट के बारे में कहा था। ये सराजेवो इंसिडेंट क्या था, यानी व्हाट इज़ द सराजेवो इंसिडेंट एंड हु असैसिनेटेड हुम व्हेन एंड वेयर। सराजेवो इंसिडेंट क्या था, किसने किसकी हत्या की, कब की और क्यों की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको
यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सैराजेवो इंसिडेंट जो था वो ये जो था जो हाई एयर अपेरेंट था यानी फ्रांसिस फर्डिनैंड ऑस्ट्रिया का जो आर्च ड्यूक था, जो मेन राजकुमार था, सबसे बड़ा राजकुमार था, उसका नाम था आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड, और उसकी वाइफ जो थी उसकी हत्या की गई थी। कब की गई थी? 28 जून 1914 में इन सैराजेवो, वेयर दे वर शॉट डेड। सो द सैराजेवो इंसिडेंट इज रिलेटेड टू द असैसिनेशन ऑफ द एयर अपेरेंट टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी का ही एक बहुत क्लोज रिलेशन देश था। ऑस्ट्रिया और हंगरी उस जमाने में एक ही देश थे। तो ऑस्ट्रिया का जो आर्च ड्यूक था फ्रांसिस फर्डिनैंड, उसकी हत्या यहाँ पर की गई थी। तो ऑस्ट्रिया ऑल्सो सॉट अ बैन ऑन एंटी ऑस्ट्रियन पब्लिकेशंस। तो जब आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड और उसकी वाइफ की जो हत्या हुई, कब हुई? June 28, 1914 में। कहाँ पर हुई? सैराजेवो में। और कैसे हुई उनकी हत्या? गोली मारकर की गई। उनकी हत्या किसने किया? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड का एक 19 साल का लड़का था, गैब्रिलो प्रिंसिप। गैब्रिलो प्रिंसिप नाम का एक लड़का था, 19 साल का ही लड़का था, जिसने मौका पाते आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड की हत्या कर दी। तो ऑस्ट्रिया का कहना है कि गैब्रिलो प्रिंसिप के पास में जो बंदूक जो आई है वो बंदूक मेड इन सर्बिया है। सर्बिया में बंदूक बनाई गई है और मिलिट्री की बंदूक है, और उस मिलिट्री की बंदूक से इसकी हत्या की गई है। इसका ये मतलब है कि इसमें इनका हाथ है। किसका हाथ है? सर्बिया का हाथ है। तो सर्बिया ने एलिगेशंस डिनाई तो किए थे, तो फिर ऑस्ट्रिया ने कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस इनके सामने रख दिए कि ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन क्या था। सो व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशन दैट ऑस्ट्रिया पुट इन फ्रंट ऑफ सर्बिया? सो या व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ द ऑस्ट्रियन अल्टीमेटम टू सर्बिया? ऑस्ट्रिया आस्क्ड सर्बिया टू अप्रिहेंड द क्रिमिनल्स एंड हैंड देम ओवर टू द ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट। ऑस्ट्रिया ने कहा कि जो इंसान या जो लोग, जो ग्रुप उनके राजकुमार के हत्या में शामिल है, वह चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और ऑस्ट्रिया के हवाले कर दिया जाए। ऑस्ट्रिया ऑल्सो सॉट अ बैन ऑन एंटी ऑस्ट्रियन पब्लिकेशंस। ऑस्ट्रिया का कहना है कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो भी कुछ टेक्स्ट बुक्स में, स्कूलों में, न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, उसके ऊपर तुरंत ही तुरंत बैन कर दिया जाए। और ऑस्ट्रिया ऑल्सो सॉट अ बैन ऑन एंटी ऑस्ट्रियन पब्लिकेशन, एंटी ऑस्ट्रियन मीटिंग एंड इंस्टीट्यूशंस इन सर्बिया। तो सर्बिया के खिलाफ जो भी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उनको बैन कर दिया जाए। तो किस प्रकार से ये जो सैराजेवो क्राइसिस जो है 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ इनको ले गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सैराजेवो क्राइसिस किस प्रकार से इतने क्लोजली लिंक्ड है, ठीक है? हाउ डिड द सैराजेवो क्राइसिस इन 1914 लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? किस प्रकार से सैराजेवो क्राइसिस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ इनको घसीटा? तो ऑस्ट्रिया को क्या लगा कि जो आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड की हत्या में किसका हाथ है? सर्बिया का हाथ है। और वह चाहता था कि जो कल्प्रिट उसको गिरफ्तार किया जाए, ना केवल कल्प्रिट गिरफ्तार किया जाए, उनके बारे में जो कुछ पब्लिकेशंस होते हैं, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, सबको बैन कर ले। तो सर्बिया ये सब करने से मना कर रहा था। बहुत सारे बातों को उसने मान लिया था, लेकिन कुछ खास जो चीज़ें थी वो नहीं मानने को तैयार था, क्योंकि उसको रशिया का सपोर्ट मिल रहा था। ड्यू टू सपोर्ट ऑफ रशिया, सर्बिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द अल्टीमेटम। सो ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन सर्बिया। सर्बिया ने इतनी हिम्मत क्यों करी? क्योंकि रशिया का सपोर्ट सर्बिया के साथ में था। तो जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे वॉर कब स्टार्ट किया? 20 जुलाई 1914। तो ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन सर्बिया ऑन 20 जुलाई 1914 ड्यू टू द कॉन्स्टेंट रिफ्यूजल ऑफ सर्बिया टू कंप्लाई विद ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सर्बिया, ऑस्ट्रिया जो बार बार डिमांड कर रहा था उसके खिलाफ था, वो मानने को तैयार नहीं था। तो अल्टीमेटली ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन
ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर अटैक क्यों और कब किया, क्या कारण था कि ब्रिटेन ने भी जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया। ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी ऑन August 4, 1914 व्हेन जर्मन आर्मी इन्वेडेड बेल्जियम हुज न्यूट्रलिटी हैड बीन गारंटेड बाय ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने कब वॉर में एंट्री ली, जब जर्मनी ने बेल्जियम के ऊपर आक्रमण कर दिए। जर्मनी ने बेल्जियम के ऊपर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि जर्मनी अपना बदला लेना चाहता था रशिया से। रशिया उसका पुराना दोस्त था, रशिया ने उसका साथ छोड़कर फ्रांस का साथ दे दिया, तो ये भनक गया, गुस्से में था उससे, तो वो रशिया से बदला लेना चाहता था। तो उसने बेल्जियम से परमिशन मांगी आने जाने के लिए, जैसा नेपाल, इंडिया और चाइना, तो चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल आता है। अगर चाइना इंडिया पे अटैक करेगा तो वो नेपाल से परमिशन मांगेगा इंडिया में आने के लिए, अगर नेपाल मना करेगा तो चाइना नेपाल के ऊपर अटैक कर देगा। तो वैसे ही बेल्जियम ने जर्मनी को मना कर दिया, तो जर्मनी ने बेल्जियम के ऊपर अटैक किया। जर्मनी ने जब बेल्जियम के ऊपर अटैक किया तो फिर इंग्लैंड ने जर्मनी के ऊपर अटैक किया, तो फिर ये चालू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नेम द 5 मेजर पावर्स दैट गॉट इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आपको पता है ना ये 5 पावर कौन है, है ना? ये 5 पावर है, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। ये 5 वर्ल्ड पावर्स हैं। तो बाकी का चैप्टर हम विस्तार में अगले क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से वो राइज ऑफ नाजिज़म एंड फेसिज़म, ये चैप्टर फिर से आपको पढ़ाऊंगा। मैं खुद उससे संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दूंगा, बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चंस दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको आंसर करके अपलोड करें। जब आप आंसर्स अपलोड करते हो तो वी फील इंस्पायर्ड कि हाँ, जो मैं चैप्टर समझा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है। सो दिस इज़ टायरॉन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योरसेल्फ, स्टे एट होम, बी सेफ, गॉड ब्लेस यू।